वेलकम टू आवर YouTube चैनल क्यू साइड रिव्यूज। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लाए हैं हमारे मूवी सजेशन सीरीज की फर्स्ट वीडियो, जो है टॉप 6 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज जो आपको कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो आज के इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी है 2006 में बनी फिल्म द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज है क्रिस्टोफर नोलन की एक मास्टरपीस मूवी है, जिसमें दो मैजिशियन दोस्तों के बारे में बताया गया है। दरअसल फिल्म में एक हादसे की वजह से दोनों दोस्त आपस में दुश्मन बन जाते हैं और वो एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। वो उनके दुश्मनी उनको एक ऐसे मोड़ पर जाके खड़ा कर देती है जैसे पीछे मुड़ना उनके लिए तो नामुमकिन है, और जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। पर जैसा कि मूवी के टैगलाइन में बताया गया है कि किसी भी जादू के 3 पार्ट होते हैं। पहला द प्लेज, जिसमें जादूगर छोटी मोटी जादू दिखाता है। दूसरा द टर्न, जिसमें जादूगर किसी भी चीज को गायब कर देता है। और तीसरा द प्रेस्टीज, जिसमें जादूगर गायब की हुई चीज को वापस लेके आता है। तो इसी तरह से हमारे फिल्म के दोनों कैरेक्टर मर के भी वापस जिंदा हो जाते हैं, और उनके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी पे, जिसका नाम है दी शटर आइलैंड। ये 2010 की फिल्म है, जिसे डैनी लहने की बुक दी शटर आइलैंड पे बनाया गया है। तो फिल्म की शुरुआत होती है लियोनार्डो डी कैप्रियो, जो एडवर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं अपने दोस्त मार्क रूफेलो के साथ। अभी रुक रुक, मॉब कौन सा सीन दिखा रहा है? हल्क का नहीं, चक्का शटर आइलैंड यार। हाँ तो हाँ, ये दोनों US मार्शल्स होते हैं, जो एक साइकेट्रिक फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जिससे ये साबित होता है कि वहां पे बहुत से लोगों को बंदी बनाया जाता है। और आगे देखने वाली बात तो ये होती है, जब चक एडवर्ड से ये कहता है कि वो खोया हुआ पेशेंट कोई और नहीं, खुद एडवर्ड होता है। अब वो सच है या फिर उसे फंसाया जाता है, वो आपको देखने पर ही पता चलेगा। अरे मो, सिद्धेश कहाँ गया यार? यहीं पे तो था अभी। अरे उसका मूवी है ना अभी, मुझे बोलना पड़ेगा अभी। ठीक है सर, बोल दूंगा। तो गाइस, आज की हमारी इस लिस्ट की थर्ड मूवी है टेनेट। ये हाल ही में रिलीज हुई फिल्म है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन सर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म एक्चुअली टाइम इन्वर्जन पे बेस्ड है, जिसमें World War III के होने का खतरा मंडराता है, और इसे रोकने की जिम्मेदारी टेनेट नाम के एक सीक्रेट एजेंसी के हाथों में होती है। प्रोटैगोनिस्ट जो है वो एक मेन कैरेक्टर बताया है, जिसे एक रशियन बिजनेसमैन के हाथों में एक स्पेशल एल्गोरिदम को पहुंचने से बचाना रहता है। आगे ये दिखाया गया है कि ये रशियन बिजनेसमैन फ्यूचर में जाके एक संकी साइंटिस्ट से ये डील करके आता है कि फ्यूचर को बचाने के लिए प्रेजेंट में जो एलिमेंट्स है, जैसे हवा, पानी, धूप, इन सबको चुरा के फ्यूचर में ले जाना चाहता है। और देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या ये प्रोटैगोनिस्ट टाइम इन्वर्जन को सीख के इन रशियन बंदों को रोक पाएगा। तो आज की इस लिस्ट में हमारी नंबर 4 की मूवी है 2009 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर नोबडी। ये एक साइंस ड्रामा फिक्शन मूवी है। अगर मूवी की बात की जाए तो मूवी में जो हमारे लीड एक्टर है उनकी उम्र है 117 साल, और ये जनाब बेहोशी के बाद सीधा 2092 में उठते हैं। जब उनका इंस्पेक्शन होता है तब उनसे पूछा जाता है कि बता भाई कौन है तू, तो उनसे पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे उस हिसाब से कोई भी बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब रियलिटी ये है कि ये जनाब अपनी पास्ट भूल चुके हैं। तो आखिर ये मिस्टर नोबडी कौन है ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। तो गाइस, आज की हमारे इस लिस्ट की 5th मूवी है एनिमी। ये एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसमें एडम नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया है, जो एक बहुत शांत स्वभाव का इंसान है। आगे कुछ वक्त गुजरने के बाद जब एडम एक मूवी देखता है, उसमें उससे उसी का एक हमशक्ल दिखता है। वो बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वो उससे मिलने भी जाता है। और आगे ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लेंगे, और कहानी यहीं से शुरू होती है, जब इन दोनों के बीच बहुत से अजीब घटनाएं होती है। इसके ऊपर से एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर आएगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को ये मूवी समझ आने नहीं वाली है। तो आज की इस लिस्ट में हमारे 6वीं और आखिरी फिल्म है जोड़ियक। ये फिल्म 1984 में लिखे गए एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, जो जोड़ियक नाम के एक सीरियल किलर के ऊपर लिखी गई थी। इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड सर ने, जो एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। और इस मूवी के स्टार कास्ट में एक से एक धुरंधर मौजूद है। और अगर इस मूवी के सीन्स आप देखेंगे तो ये मूवी पूरी तरह से 70s और 80s के ऊपर बेस्ड है, तो जिसको उसको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों, इसको मिस मत करना। तो दोस्तों, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे मूवी सजेस्ट करें। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको देखना है कि नहीं। तो अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो या कोई शिकायत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
Mm-hmm.